Hello students, how are you? I hope you all are good. So, today we are going to cover this topic. Bachche, which one is agreement of the verb with its subject? Let's begin. The verb should agree to its subject in number and person. So you should find out the number and persons of the subject first. Yehi toh karte hum, ki kya find out karte bache number ko or person ko. सब्जेक्ट के अंदर से कि मतलब हम सेंटेंस के अंदर एज सब्जेक्ट जब यूज करते हैं तो वहां पे नंबरिंग भी होते हैं पर्सन भी होते हैं सो सब्जेक्ट्स के अंदर से फाइंड आउट करना सो वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन एग्जांपल के साथ सब समझते हैं स्टूडेंट्स सो फर्स्ट है जैसे हमारा इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर ओके सिंगुलर फॉर्म में होगा द वर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर तो वर्ब जो है वो भी हमारी कहाँ कैसी होनी चाहिए सिंगुलर में गुड स्टूडेंट the गौरी वॉज अ गुड क्रिकेट प्लेयर वी आर इन द्लास रूम दे आर टेकिंग अ बाथ इन द रिवर यू वर ऑन द रूफ आई वॉज टेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क देन यहाँ पर लैंग्वेज पावर के अंदर स्टूडेंट्स पर्सनल a एंड इट ऑलवेज टेक you वर्ब they वी यू एंड plural टेक अ प्लूरल वर्ब आई टेक्स when वर्ब with am, विद एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब अदरवाइज क्या समझाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर अगर हम बात करते हैं सिंगुलर वर्ब की देन ही शी इट को एग्जिस्ट करते हैं अगर प्लूरल वर्ब की बात करते हैं स्टूडेंट्स देन वी यू दे की बात करेंगे और आई को कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स आई को लिया जाता है सिंगुलर वर्ब के अंदर जब यूज करते हैं उसको किसके साथ एम और वो के साथ ओके देन प्लूरल के साथ वहां पर लगा दिया जाता है अदर वर्ब्स के साथ सेकेंड है स्टूडेंट्स इफ टू और मोर सिंगुलर वर्ब्स वहां पर क्या जैसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि टू या दो से ज्यादा सिंगुलर वर्ब्स आ जाती हैं बाय एंड एंड और बोथ वर्ब इज यूज वो टेबल्स एंड चेयर आर इन द रूम सो यहाँ पर आपने क्या देखा स्टूडेंट्स टेबल्स एंड चेयर मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मोर देन वन है देन वी आर यूजिंग हेयर प्लूरल वर्ब प्लूरल क्या है आर रोहन रोशन सुरेश आर प्लेइंग इन द फील्ड तो यहाँ पर तीन पर्सन की स्टूडेंट्स बात हो रही है रोहन रोशन और सुरेश की दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर आर ध्यान रखेंगे क्या यूज हो रहा है यहाँ पर आर और आर क्या है वर्ब है। यू एंड आई आर नॉट गुड एट चेस यू एंड आई ही यू एंड आई यहां पर भी थ्री हो गए स्टूडेंट्स आर स्विंगिंग इन द गार्डन वेन द सब्जेक्ट इज Singular and consists of two items which are in different persons. The verb should agree with the persons of the item immediately preceding the verb. For example, neither you nor I am going to film. Either she or I eaten the mango. Either you or Jaya has done it right. Note the first examples can be better used as neither you are going to film nor I am going to film.

Rice and curry is a good dish. One food ki baathori hai? Rice and curry ko hum kya mante students. One heat dish mante One food hai wo. Branded butter is a wholesome food. One food. Bread and butter are sold in different units. Two foods. The owner and chairman has signed the papers. One person. The owner and the chairman are in the meeting. Two persons. The use of every each takes a singular verb. For examples,

ऐसी चीजों के लिए जो रेफर्स करते हैं टू तो सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में ही एग्जिस्ट होंगे एंड इट टू रेफरल इट टेक्स अ वर्ब फॉर एग्जांपल सम मनी हैज बीन लॉस्ट सम प्लेयर्स आर इंजर्ड सम नाउंस अपीयर्स टू बी प्लूरल्स कैसे होते हैं लेकिन वो लगते तो बच्चे सिंगुलर है लेकिन अपीयर्स कैसे होते हैं plurals में सो so, वहां पर टेक अ सिंगुलर वर्ब फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स न्यूज एथिक्स इकोनॉमिक्स इनिंग्स पॉलिटिक्स ये आपको क्या दिख रहे हैं बच्चे की प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल नहीं है यहां पर हम इनको सिंगल की कैटेगरी में ही एग्जिस्ट करते हैं टू इय इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट द दुपीज नोट इज स्ट्रॉम फाइव माइल्स इज द इवेंट आई शेल टेक पार्ट इन दिस न्यूज इज नॉट ट्रू द नेम्स ऑफ सम बुक्स

लगती ऐसी प्लूरल है, है, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब में ही आएंगी वहां पर द नीदरलैंड इज अ पीसफुल्स इज रिच कंट्री When अ कलेक्टिव नाउन इज used एज वन यूनिट के अंदर यूज होता है students, a singular वर्ब इज used. एंड इफ इट points टू अ पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव नाउन अ प्लूरल वर्ब इज used. फॉर example, द ऑडियंस इज लाफिंग all people in the audience are laughing the audience are laughing some peoples in the audience are laughing the galaxy is shining brightly all stars in the galaxy are shining brightly the galaxy are shining brightly not all stars in the galaxy are shining brightly the parliament has taken a decisions

वन ऑफ द पैंस विच वॉस लोस्ट सो यहाँ पर क्या दिखाया गया स्टूडेंट्स ये दिखा रहे हैं कि इस तरह से हमें सेंटेंस के अंदर रिलेट करते हुए हमें बनाना है लेकिन प्रॉपर तरीके से कहा प्रॉपर एग्जिस्ट करेगा वो वर्ड तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है सेकेंड वन के अंदर दे हैव फाउंड वन ऑफ द पैंस विच वर्ड लोस्ट सो आपने यहां पर देखा जो स्टूडेंट यहाँ पर यूज किया गया विच वर्ड का विच वर्स सो

इसमें फर्स्ट में क्या दिया गया स्टूडेंट्स रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली इसमें सम मिस्टेक आर देयर सो यू हैव टू करेक्ट दैम एंड राइट इट डाउन सो ये खुद से आपने करनी है स्टूडेंट